हेलो गाइस, वेलकम टू क्राफ्ट एंड टेक्स। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग घर पे कैसे एक फ्लोटिंग शिप बना सकते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें कार्डबोर्ड, पेपर कटर और हॉट ग्लू गन है। बॉटल स्नैप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमारी शिप का फर्स्ट पार्ट है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह। ये कुछ इस तरह का है। तो ये तीन तरह के कार्डबोर्ड पीसेस से बना है और इसकी मेजरमेंट कुछ यूँ है के ये पहला रेक्टेंगल हमें एक चाहिए होगा, 21 सेंटीमीटर का है और यहाँ से 17.5 सेंटीमीटर का है। ये रेक्टेंगल इक्वल होना चाहिए हर साइड से। फिर दूसरा आता है हमारा 32 सेंटीमीटर, 125 डिग्री, 125 डिग्री और 9 सेंटीमीटर से कट जो है 125 डिग्रीज के हैं। तो और ये हमें दो चाहिए होंगे, तो ये मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है। ये दो हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये दोनों इक्वल ना हो। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। और ये है हमारा थर्ड रेक्टेंगल, जो कि 17 सेंटीमीटर और 8.3 सेंटीमीटर्स का है। और आप ये भी हमें दो चाहिए होंगे। ये आप देखें, इसके ऊपर दो लिखा है, तो ये हमें दो चाहिए होंगे। ये मैंने कट करके रखा हुआ है। तो गाइस, आप देखें उस वाले के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन इस वाले के आगे धागा है। आप भी ये धागा लगा लें, नहीं तो बाद में भी धागा लगा सकते हैं, लेकिन ये धागा एक अच्छा रोल प्ले करेगा अभी हमारी शिप में। तो अब हम इसे फिक्स करेंगे कुछ इस तरह, यूं करके 21 सेंटीमीटर वाली साइड जो है वहाँ पर हम अपने दूसरे पीस की बेस रखेंगे। तो अब ग्लू लगा कर मैंने इसको लगा दिया। अब मैंने दोनों लगा दी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पैरेलल में लगें, ठीक है। तो मैंने दोनों पैरेलल में लगा दिए, आप देखें। और अब मैं छोटे वाला रेक्टेंगल लगाने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से, बिल्कुल उनके कट के साथ रखना है। तो अब मैं ग्लू लगाता हूँ। तो गाइज, अब मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया है। अब जो धागे वाली साइड थी वो शिप के आगे साइड बाहर रहनी चाहिए और ऊपर रहनी चाहिए, ज़मीन शिप की ज़मीन वाली साइड नहीं होनी चाहिए। देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं ऐसे साइड से पक्का कर लूँगा ताकि इसका टूटने का चांस बहुत कम हो जाए। इस तरह से ये मेरी हर वॉल कंप्लीट हो जाएगी और मज़बूत हो जाएगी। तो अब मैं अपना दूसरा छोटा रेक्टेंगल जो है उसको लगाऊँगा ग्लू लगा के, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसकी भी मैं मज़बूत कर लूँगा साइडों में ग्लू लगा के। साइडों में ग्लू लगा के इसे मैंने कर दिया है अच्छी तरह से। तो गाइस, अब मैं आप लोग को बताऊँ तो हमारा यहाँ पे हो चुका है फर्स्ट पार्ट शिप का कंप्लीट। हमारी शिप टोटल 5 पार्ट्स से बनी है, तो हमने 1/5 काम तो कर ही लिया। इस शिप को बनाना बहुत आसान है। देखिए, मैंने इसको पक्का कर लिया, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट। कुछ इस तरह का दिखेगा ये, आप देखें, ठीक है। तो अब हम इसे साइड पे कर देंगे और अपने दूसरे इसकी तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरा जो है, इसमें दो होल्स हैं और ये हमें एक चाहिए रेक्टेंगल। ये आपको थोड़ा अनइक्वल सा लग रहा होगा, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, 26.5 सेंटीमीटर्स बाय 17.5 सेंटीमीटर्स का। और ये एक चाहिए, इसमें दो होल्स याद से हैं। और आप देखें, दो कार्डबोर्ड के पीसेस जो हैं मैंने इन्हें रोल करा और साइज़ मैंने करे। ये जो कैप है, ये इसका डायमीटर 4.3 है, 4.3 सेंटीमीटर। और अब मैं इसको छोटे वाले पिलर पे लगा दूंगा ताकि हमारा स्टेयरिंग का काम करेगा। अब देखें, तो फ्लोटिंग शिप है तो उसमें अच्छा लगेगा। और दूसरा भी पिलर अपनी जगह लगेगा, पहला भी अपनी जगह लगेगा। और जो जो साइड आपकी आगे वाली साइड होगी वहाँ पर स्टेयरिंग वाला लगेगा, और ये पीछे वाला साइड कुछ इस तरह से। अब देखिए, मैंने दोनों लगा लिए और ये हो गया है। तो अब हम इसको एक दफ़ा ऐसे ही रफली फिक्स करके देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में कि ये सही फिक्स हो रहा है या नहीं। तो गाइज़, अगर आप बिल्कुल सेम कैलकुलेशन रखते हैं तो उस हिसाब से तो आपकी ये शिप बिल्कुल अच्छी बनेगी, लेकिन अगर आप छोटी बड़ी करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से एक एक सेंटीमीटर, दो दो सेंटीमीटर करके कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये हमारा है सही।
तो अब मैं इन दोनों पिलर्स के नीचे ग्लू लगा दूंगा, ठीक है। इसको जिस तरह से मैं ग्लू लगा दूंगा तो फिर ये बेस से चिपक जाएंगे हमारी शिप की, और फिर इस ऊपर वाली इसको पिचकने से बचाएगी, वरना अगर ये पिलर्स हम ना लगाएं तो ये वेट की वजह से पिचक जाएगा ये हमारे ऊपर। तो गाइज अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जब तक पिलर्स सूखे ना, अब तक आप साइड पे ग्लू नहीं लगाइएगा। जब पिलर्स की ग्लू सूख जाए तो फिर उसके बाद लगाइएगा बिल्कुल बराबर करके। अब देखें मैंने इसको बराबर करके ग्लू लगा दिया इसके चारों तरफ, और अब हमने इसके सूखने का वेट कर लिया है। तो चारों तरफ आप देखें ग्लू लग गई है इसके, अच्छी तरह से लगा चुका हूँ मैं ग्लू। और ये है हो गया हमारे दो पार्ट हो गए यहाँ पे मिक्स। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा रूम। ये रूम जो है इसमें एक गेट है, रेक्टेंगल शेप का रूम है ये। तो अब मैं ये रूम आपको बनाना सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि हम ये इस तरह से फिक्स करेंगे अपनी शिप में रफली। तो अब मैं बनाना सिखाता हूँ, इसकी कैलकुलेशंस भी मखसूस हैं। तो ये तीन तरह के पार्ट से बना है, रूफ और छोटी स्मॉल रेक्टेंगल और बिग रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल है 13.5 सेंटीमीटर बाय 7.3 सेंटीमीटर, और दो चाहिए हैं हमें ये। तो ये दो आप देखें मैंने रखे हैं अपने पास काट के। फिर दूसरा जो स्मॉल रेक्टेंगल है 11.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से 7.3 है। तो इस तरह से है ये, लेकिन दूसरे वाले में याद रखिएगा कि आप गेट टाइप बना दें एक एक रेक्टेंगल में और एक में ना बनाएं। और ये हमारी रूफ है 11.7 और 9 सेंटीमीटर की। तो गाइज अब हम रूफ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम 11.7 सेंटीमीटर वाली जगह पे गेट वाली साइड रखेंगे हमारा जहाँ पे डोर है। तो ग्लू लगाते हैं और उसे जोड़ देते हैं। तो गाइज ये जो जिसमें हमने डोर लगाया इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरा लगेगा, जो इसके साथ हमने काटा था वो बिल्कुल इसके साथ ही लगेगा। तो इसका ख्याल रखिएगा कि पैरेलल रहे, और बड़ा रेक्टेंगल जो है वो इनके साइड में लगेगा एक रूम बनाने के लिए, बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ग्लू लगाते हैं। गाइस ग्लू अगर कम कम लगाएंगे तो आपकी शिप ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा ग्लू सूखने में देर लेती है और फिर चीज़ें उसमें हिलना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं बड़े रेक्टेंगल के पैरेलल में ही दूसरा बड़ा रेक्टेंगल लगाऊंगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि आपका ये जो हो रेक्टेंगल शेप का ही रहे रूम, तो इससे आपकी शिप में खूबसूरती आएगी। ये आप अपने जब चारों दीवारें जुड़ जाएँ तो इनको आपस में जोड़ दें तो आपका ये रूम जो है पक्का हो जाएगा। और गेट वाली साइड जो है आपकी वो स्टीयरिंग की तरफ रहेगी। ये मैं चारों तरफ ग्लू लगा रहा हूँ, कम 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 लगाइएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो गाइज अब हमको जो है इसको शिप में जोड़ना है, ग्लू हमने लगा दी है, अब हमें इसे शेप में जोड़ना है। इसका जो शेप है आप देख सकते हैं अच्छा आया है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब ये है हमारी शेप, और इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से। इसका दो वाली साइड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि स्टीयरिंग की तरफ रहे ख्याल से। आप ग्लू लगाएं और फिर इसको जोड़ दें। आप देखें मैं इसको ग्लू लगा दिया, तो जोड़ने जा रहा हूँ। तो गाइज ये जुड़ गया है, अब हम इसको सूखने का वेट करते हैं जब तक हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो है कुछ इस तरह का, मैं दिखाता हूँ इस तरह का। उसकी इसकी हाइट जो है 5.4 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर का है। और ये कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक कार्डबोर्ड को रोल बनाया, उसके ऊपर एक सर्कल लगाया, फिर उसके ऊपर एक सीट टाइप कुछ लगा दिया, और फिर ये एक शेड लगाया है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पीछे एक स्टिक भी लगाई है मैंने, वो बाद में अभी हमारे काम आएगी।
ये सबसे आसान पार्ट है हमारी शिप का। अब हम इसे जोड़ देंगे अपने रूम के ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने इसे जोड़ दिया। अब ये जो है हमारा है, ये है सिक्स्थ पार्ट। तो गाइज ये जो है अब हमें बहुत आसान है, इसको दो स्टिक्स लेनी है, उन्हें आपस में ग्लू से जोड़ना है और बस फिर एक उसके ऊपर थ्रेड लगा दें लंबा सा, और एक पीछे कैप को जो है आप लगा दें ग्लू से। तो ये थ्रेड जो है वो ऊपर इस तरह लग जाएगी और ये हमारी बैक साइड पे लग जाएगी शिप के। तो गाइज अब देखें, अब मैंने शिप के बैक साइड पे से लगा दिया अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं ऐसे। अब मैंने वो जो एक छोटी स्टिक लगाई थी अपने टावर पे, उससे मैं इसके थ्रेड को जोड़ रहा हूँ। जो मैंने इस वाले स्टिक में लगाया था, उससे एक अच्छा क्रेन वाला लुक आएगा, जैसे क्रेन है। तो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका वो ख्याल रखना है। और अब मैं जो आगे वाले पार्ट पे, हमने जो याद होगा आपको जो हमने थ्रेड लगाए थे, अब मैं उनको टावर से जोड़ने जा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक शिप दिखाने में। जब आप कोई देखेगा आपकी शिप, तो वो सबसे पहले उसकी नज़र इन पर ही जाएगी, इन थ्रेड्स पे। तो ये सबसे अच्छे होते हैं। ये धागा लगाना नहीं भूलिएगा। अब एक शॉपिंग बैग चाहिए होगा हमें, ट्रांसपेरेंट। तो अब मैं इसको रेक्टेंगल में काटूंगा। लेकिन अगर आपको ये खेलने के लिए बना रहे हैं आप शिप, मतलब एक आपको ऐसी खेलना है, तो आपको शॉपिंग बैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पानी में तैरानी है, तो आप शॉपिंग बैग फिर लगा लें, ताकि आपकी बोट गीली ना हो। मैंने इसको रेक्टेंगल में काट लिए और अब मैं इसे अपनी शिप में लगाऊंगा। तो गाइज अब जब ये आप देखें, मैंने इसके ऊपर शिप रख दी है। इसको बहुत कम कम ग्लू लगाकर हम जो है लगाएंगे, कम कम ग्लू लगाकर। ठीक है, कुछ इस तरह से। मैंने मैंने लगा दिया है एक साइड, और अब दूसरी साइड में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाना है आपको अच्छी तरह से। देखें, ग्लू गन की टिप बिल्कुल कार्डबोर्ड से टच हो और बहुत कम कम हो ग्लू। इसी तरह हर साइड पे लगाएं और फिर करें कुछ इस तरह से। आप देखें और क्लिक कर दें तो चिपक जाएगा खुद ही। तो ये हमारी शिप की कोई लोग आ रही है, और अब हम इसके जो कोने कोनों से निकल रहे हैं शॉपर, अब हम इसको चिपका देंगे। मैं बैक साइड प्रेफर करता हूँ, तो मैं थोड़ा पीछे करके लगाता हूँ शॉपर को। इसी तरह हर साइड से जोड़ देना, लेकिन ख्याल रखिएगा कि टिप ग्लू, टिप ऑफ द ग्लू गन शुड नॉट टच द शॉपर। सो वरना अगर आप ज़्यादा ज़्यादा ग्लू लगाएंगे, अगर आपकी टिप शॉपर से टच हो गई, तो शॉपर में सुराख हो जाएगा गर्मी की वजह से, और फिर आपको दोबारा निकालना पड़ेगा शॉपर, क्योंकि उसमें पानी जा सकता है। तो गाइज कुछ इस तरह की हमारी लुक आ रही है शिप की, और आप देख सकते हैं इसका एक अच्छा सा लुक आ रहा है। तो ये है, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग को ये कोने बुरे लग रहे हैं अपनी शिप के, ये जो हैं, और आपके रूम वाले जो हैं, जैसे रूम के हैं ये और ये, तो आप इनके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप या पेपर टेप या कोई सा भी टेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्राफ्ट्स एंड टेक्स।